मुझे लगता है कि कहीं मिलती है तो वो सिर्फ एक ही जगह है जिसका नाम है सिक्योर लाइफ। बाकी की दूसरी कोई और जगह नहीं है जहां ये पांचों की पांचों चीजें मिल जाएं। कोई है? तो इस बिजनेस में वास्तव में आदमी रियल सफल हो सकता है कि नहीं? और ये कारण जो है क्या ठोस कारण है कि नहीं, क्यों करना चाहिए हमको ये बिजनेस? एक बार अगर ये बात मुझे पहले समझ में आ गई थी तो मुझे एक ही बार में पता चल गया था कि भैया इससे बढ़िया कोई और काम नहीं है, दूसरे कामों के लफड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं काफी दुखी होता हूं जब लोगों को देखता हूं कि 3,000 रुपए की नौकरी करने के लिए वो आदमी मुझसे बहाना बनाता है कि ना सर आज मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। कितने की नौकरी है? 3,000। और आजकल मजदूर जो बेलदार होता है ना उसको भी 250 रुपए मिलते हैं, आपको पता हो तो। समझ मारा है? बेलदार से भी हल्की नौकरी है 3,000 की नौकरी, और मुझे बहाने बना रहा है क्या मीटिंग में नहीं आ सकता हूं। मतलब करोड़ों रुपए का काम उसको वो 100 रुपए की नौकरी के सामने समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसे लोगों को बोलता हूं कि यार जिसकी मत मारी गई है या जिसके भाग्य में पैसा नहीं है तो भगवान उसको दौलत कैसे दे देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? रियल सफलता अगर कहीं है तो वो सिर्फ सिक्योर लाइफ में है। और क्यों करें अगर इसके बारे में वो बोलूं तो यहां पर दुनिया में एक ही पोजीशन है सिक्योर लाइफ में। आप दिल से, जान से, दिमाग से जितने सपने चाहो देख सकते हो, आप उन सारे सपनों को इस बिजनेस में पूरा कर सकते हो। ये कारण है इस बिजनेस को करने का। आप बोलो तो सही आपको क्या चाहिए, आप बोलो आपको क्या चाहिए। अगर आप में से कोई बोले कि सर मैं कार खरीदना चाहता हूं, कार मिल सकती है कि नहीं बताइए। आप में से कोई बोले कि मैं मकान बनाना चाहता हूं, मकान बन सकता है कि नहीं बताइए। आप कोई बोले आप में से कि मैं सर दुनिया में यह चाहता हूं कि मेरे पास कभी भी पैसे की कमी ना हो, क्या यह पूरा किया जा सकता है कि नहीं बताइए। दुनिया का हर वो सपना जो कि आदमी सोच सकता है इस बिजनेस के बारे में जो पैसे से संबंधित है, वो सारी चीजें इस बिजनेस से पूरी की जा सकती हैं। की जा सकती हैं कि नहीं? आदमी को ये पता चल जाए कि मैं इस बिजनेस में क्यों काम करूं, यानी उसके सपने बन जाए कि मैं चाहता क्या हूं, तो मुझे लगता है कि आदमी का क्यों पूरा हो जाएगा कि वो इस काम को क्यों करना चाहता है। तो उसके लिए 4 सवाल हैं जो मुझे लगता है आपको अपने आप से पूछने चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करिए कि मुझे जीवन में चाहिए क्या, क्या चाहिए मुझे जीवन में, क्या क्या चीजें हैं जो मुझे जीवन में चाहिए, जिन चीजों को चाहकर मैं पूरा कर सकता हूं। आप एक बार उनकी लिस्ट बना लीजिए, ये चीजें मैं सब चाहता हूं, वो यहां से पूरी होंगी। दूसरा आप देखिए कि मैं जीवन में क्या करना चाहता हूं, क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी है, वो सब चीजों की आप लिस्ट बना लीजिए। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं उसकी आप लिस्ट बना लीजिए। आप किस तरह से जिंदगी जीना चाहते हैं आप उसकी लिस्ट बना लीजिए। और ये सब चीजें यहां पर पूरी की जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, आदमी सपने देखता नहीं है इसलिए पूरे, तेज बोलो ना, आदमी सपने देखता नहीं है इसलिए पूरे होते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस परिवार से, जिस परिवेश से उठ के आए हैं ना, उस परिवार और उस परिवेश में जब भी हम सपने देखते हैं हमको डांट के बिठा दिया जाता है। बचपन में अगर आपका बेटा बड़ी बड़ी बातें करता है तो बाप को सिर्फ एक बात आती है कि चुप, बड़ी बड़ी बात नहीं करना। मतलब हम जिस परिवारों में पले हैं, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, वहां बड़ी बातें करना मानो अपराध करना है कि नहीं? और इसलिए हमको सपने देखने की कोई गुंजाइश नहीं है और ना हम सपने देखते हैं। तो ये स्लाइड क्या बोलती है कि ज्यादातर लोगों के जीवन का कोई नक्शा नहीं होता है। लेकिन हम एक कोई भी मकान बनाना चाहे ना छोटा सा, तो पहले हम नक्शा बनाते हैं, आर्किटेक्ट से मिलते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हाय रे विडंबना हिंदुस्तान की, आदमी 80 साल की जिंदगी जीने के लिए कोई नक्शा नहीं बनाता है कि नहीं? तो क्या हमारा सपना पहले बनना चाहिए कि नहीं? आज अगर आपको यह पता चल गया कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं तो आपका डिसीजन हो जाएगा कि आप इस काम को करेंगे। दूसरी चीज मैंने समझी है इस बिजनेस के बारे में कि दो चीजें होती हैं कोई भी चीज को पूरा करने के लिए। एक आदमी का सपना होता है, दूसरा आदमी का डर होता है। एक क्या होता है? सपना। दूसरा आदमी का डर। यानी कोई भी आदमी किसी भी चीज को करता है तो दो चीजें कारण होती हैं, एक उसका करना, क्या करना चाहता है, दूसरा अगर ना किया तो क्या होगा, वो चीज होती है पीछे जो डर होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी अपनी लड़की की शादी करने के लिए सपना देखता है और वो लड़का ढूंढना चालू करता है, तो क्या उसका सपना है लड़का देखना और शादी करना सिर्फ इसलिए लड़का देखता है? नहीं, उसके पीछे एक डर भी होता है। क्या? कि बस्ती वाले बोलेंगे कि इसकी लड़की इतनी बड़ी हो गई शादी नहीं हुई अभी तक,
कुआरी लड़की घर में बैठी है, इसलिए वो इस डर के मारे निकलता है और सपना देखना चालू करता है, प्रयास करता है और पूरा हो जाता है। ऐसे होता है कि नहीं? यानी क्या है, दो चीजें हैं। आप एक सपना देखिए और आप ये सोचिए कि अगर ये पूरा ना कर पाया तो क्या होगा। आप अगर कार खरीदना चाहते हैं और कार का आपका सपना है, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि कार खरीदना मेरा सपना है, लेकिन दूसरी चीज एक और उसके पीछे होनी चाहिए, क्या? कि अगर कार नहीं आई तो क्या होगा। कार अगर मैं नहीं ला पाया तो मेरी बीवी क्या सोचेगी, कार अगर मैं नहीं ला पाया तो ये बस्ती वाले क्या बोलेंगे, कार अगर मैं नहीं ला पाया तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। बड़ी बड़ी बात करता था पहले, अभी क्या हुआ, कार नहीं आई ना। ये जो एक डर है वो सपने को पूरा करवाता है। समझ में आ रहा है? मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो इसके पीछे दो चीजें होती हैं। बच्चे को जन्म देना औरत के लिए क्या है, एक सपना है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक डर भी है, बांझ कहलाने का डर बच्चे पैदा करने का जुनून और जज्बा पैदा करता है। थैंक यू। किसी भी चीज को पूरा होने के लिए दो चीजें हैं, बच्चे का जन्म लेना एक सपना है, जन्म देना एक सपना है, लेकिन इसके पीछे जो डर है वो क्या है, बांझ कहलाने का जो डर है ना, वो उसको हिम्मत देता है कि ना कुछ तो करना पड़ेगा, अभी तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्रिकेट मैच चल रहा था ना कुछ दिन पहले, आप सोचते होगे कि क्रिकेट के इंडियन टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको मैच जीतना बहुत उनका बड़ा सपना होगा, वर्ल्ड कप लाना। यही बात सोचते होगे ना, वर्ल्ड कप लाना उनका सपना है, पक्की बात है, लेकिन उसके पीछे एक डर भी है कि अगर वर्ल्ड कप नहीं लाए तो हिंदुस्तान में कैसी फजीहत होगी, है कि नहीं, और कितनी बेइज्जती होगी एयरपोर्ट पर निकलने के बाद, हमको पब्लिक क्या बोलेगी, एयरपोर्ट पर जब हम आएंगे तो हमारे मकानों के शीशों का क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दो चीजें होती हैं जिंदगी बनाने के लिए, एक उसको पाने का सपना, दूसरा उसको ना पाने का डर, और ये दोनों चीजें आदमी को आगे बढ़ाती हैं। यानी आदमी को जो डर होता है वो धक्का मारता है और जो ड्रीम होता है वो अपनी तरफ खींचता है। दिखाई दे रहा है? आदमी को ड्रीम जो होता है वो क्या करता है, पुल करता है, और जो आदमी का फियर होता है वो आदमी को क्या करता है, पुश करता है। समझ में आ रहा है? तो दोनों चीजें जरूरी हैं। आपको सपना बनाना पड़ेगा और वो सपने का जो ना पूरा करने का डर होगा वो आपको धक्का मारेगा, और जो आपका ड्रीम है वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। यहां लिखा है जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वो जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करता है। बताइए इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? अगर आज आपका कोई लक्ष्य नहीं है और अगर आप सोचते हो मैं तो आम जिंदगी, छोटी सी जिंदगी जी लूंगा और इसी में काम चल जाएगा, चल सकता है काम, लेकिन एक बात तो है, जिंदगी भर दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस आदमी का लक्ष्य नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा, किसी और की बात मान के उसके सपने पूरे करने होंगे ना। तो दो रास्ते हैं आपके पास, एक आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, दूसरा आप दूसरों का सपना पूरा कर सकते हैं। बताइए क्या करना चाहिए, अपना सपना ना, हाथ खड़ा करिए, कितने लोग अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, आपके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक बच्चा एक बार गेम खेल रहा था, और वो गेम कैसे खेलता था उसका देखिए, किस तरीके से खेल रहा था। पहले क्या करता था, तीर मारता था, तीर मार देता था, और जहां भी तीर लग जाता था वहां निशाना बना देता था, यानी तीर मारता था और निशान बना देता था। क्या ये गेम ऐसे ही खेलते हैं? कैसे खेलते हैं? पहले गोला बनाना पड़ता है और फिर मेहनत करके उसको भेदना पड़ता है। लेकिन आम आदमी जिसके सपने नहीं होते हैं वो कैसे गेम खेलता है पता है, कि मैं अगली गर्मी में तो फ्रिज ले ही लूंगा, है ना, और दो गर्मी बाद तो मोटरसाइकिल आ ही जाएगी। अगर ये मालिक सही रहा और नौकरी सही चलती रही और कोई तकलीफ नहीं आई और तनख्वाह मिलती रही तो 7 साल बाद तो हम 800 कार ले ही सकते हैं, है? मतलब वो क्या सोचता है, उसका सपना सेविंग पर डिपेंड है और वो सेविंग कर करके सारे सपने पूरा करना चाहता है। समझ में आ रहा है? लेकिन सपने बनाने का सही तरीका क्या है, पहले आप लक्ष्य बनाइए और उसी लक्ष्य के मुताबिक काम ढूंढिए और उस काम को करना चालू करिए। यही तरीका है कि नहीं? तो अगर आपकी जिंदगी में, आपके दिल में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं, आपको लगता है कि बड़े बड़े काम करने हैं, बड़ी बड़ी कार खरीदनी है, बड़ा बड़ा मकान बनाना है, आपको पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग जानने चाहिए, तो एक ही तरीका है, सिक्योर लाइफ में आ जाओ, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं।
लेकिन विडंबना क्या है पता है, बहुत सारे लोगों के कोई सपने नहीं होते और ना होना कोई तकलीफ नहीं है, सपने नहीं होते हैं फिर भी वो दूसरों की बात मानते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं। एक बार जम्मन अपने घोड़े से जा रहा था, घोड़ा दिखाई दे रहा है? तो जब जम्मन अपने घोड़े से जा रहा था तो उसे एक व्यक्ति पूछता है कि बताया कहां जा रहे हो भैया, तो वो बोला रामपुर जा रहा हूं। तो व्यक्ति ने बोला साहब यहां रामपुर नहीं है, यहां तो श्यामपुर है। समझ में आ रहा है? तो जम्मन बोलता है कि पता है। तो उसने कहा फिर क्यों जा रहे हो? कि घोड़े से बहस कौन करेगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, जिस काम को आज हम कर रहे हैं उस काम में हमको पता है कि सपने पूरे नहीं होंगे, हमको पता है कि जिस नौकरी में मैं रोज जा रहा हूं वो नौकरी मुझे कहीं नहीं पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी हम दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। जम्मन वाली स्थिति है, हमको पता है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते पर रामपुर नहीं आएगा, लेकिन हम घोड़े को समझाने को तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन सिक्योर लाइफ में आने के बाद जो भी आप चीज चाहते हो वो सब आपको मिल सकती है। दूसरी चीज क्या है लक्ष्य के बारे में, आदमी जिस चीज को फोकस करता है वही चीजें उस आदमी को मिलती हैं। फोकस करने का मतलब, बचपन में हम सब ने एक गेम जरूर खेला होगा, एक हम लेंस लेते थे, एक कागज लेते थे और सूरज की धूप में दिखाते थे और थोड़ी देर बाद वो कागज जो है जलना चालू हो जाता था। कितने लोगों ने ये खेल खेला है? खेला है ना? लेकिन होता क्या है, आपने देखा होगा कि ऐसा होता क्यों है कि एक जगह आप जब लेंस को रोकते हो और कागज लगाते हो और प्रकाश आता है और थोड़ी देर बाद क्या होता है, कागज जलना चालू हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी जगह एक काम और करके देखना कभी भी, या करके आपने देखा होगा, आप लेंस को हिलाते रहिए और जिंदगी भर तुम धूप में बैठे रहो, तुम्हारे बच्चे भी धूप में बैठे रहे, कागज कभी नहीं जलेगा। बताइए यही बात है कि नहीं? लेकिन इस बिजनेस की विडंबना क्या है पता है, इस बिजनेस में लोग आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या करते हैं, थोड़े दिन देखते हैं, 15 दिन नौकरी कर लेता हूं, 15 दिन खेती कर लेता हूं, 20 दिन ये काम कर लेता हूं, अभी बच्चे के ट्यूशन चल रहे हैं, अभी बच्चे का ये आ गया, अभी बच्चे के एग्जाम आ गए, हिलाते रहते हैं लेंस को और 2-3 साल बाद देखते हैं कि यार कागज जल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, पैसे आ ही नहीं रहे, टीम बनी नहीं रही। टीम कब बनेगी, जब फोकस करके 2400 घंटे सिर्फ एक ही काम करना होगा। आपके ख्यालों में सिक्योर लाइफ होना चाहिए, आपके बिस्तर पर सिक्योर लाइफ होना चाहिए, आपके टिफिन में सिक्योर लाइफ होना चाहिए, आपके स्कूटर पर सिक्योर लाइफ होना चाहिए, जिंदगी में सब जगह सिक्योर लाइफ होना चाहिए, तब इस बिजनेस में आगे काम चलेगा। फोकस होना चाहिए आपका कि आप क्या करना चाहते हैं, फोकस जरूरी है कि नहीं? तो सपनों के बारे में 3 चीजें हैं। सबसे पहले आप अपने निश्चित और साफ लक्ष्य लिखिए कि क्या चीज आप पाना चाहते हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, जब भी मीटिंग में आता हूं, जब भी कोई भी लीडर मीटिंग में आता है वो बोलता है आप अपने लक्ष्य लिख लीजिए, लेकिन रियली होता क्या है, लोग लक्ष्य कभी लिखते नहीं है क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं अगर मैंने लिख लिया और लिखने के बाद अगर 1% भी अगर ये पूरा ना हुआ तो घर वाले क्या सोचेंगे, डर लगता है ना, इसलिए हम लिखते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूं, घर वाले जो भी सोचते हो सोचने दीजिए, और मैं बोलता हूं लिखने के बाद अगर पूरा ना भी हो तो कोई चिंता मत करिए, लेकिन कम से कम जो फर्ज है अपना लिखने का उसको तो पूरा करिए ना। जब तक आप अपने लक्ष्य लिखेंगे नहीं तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। तो जब मुझे यह पता नहीं है कि मैं जाना कहां चाहता हूं तो मैं कहां पहुंचूंगा मुझे बताओ, क्यों, सच बात है कि नहीं? तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य लिखिए कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं, लिस्ट बनाइए उन चीजों की जिन चीजों की आपको जरूरत है, क्या क्या चीजों की आपको जरूरत है वो सब चीजें आप लिख लीजिए, जो जो चीजें आप जिंदगी में दूसरों की देखते हो और आपको अच्छी लगती हैं आप वो सब चीजें लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। जब मैं मोटरसाइकिल से चलता था ना और कार निकल के जाती थी होंडा सिटी बगल में से, कोई भी व्हाइट कलर की कार जब जाती थी तो मुझे लगता था साले की जरूर 2 नंबर की कमाई होगी है, और ऐसे दिल पे हाथ फेरता था मैं, मैंने कहा मेहनत तो मैं भी कर रहा हूं, मेरी क्यों नहीं आ रही है, ऐसे लगता है ना हमको।
लेकिन जो बड़े बड़े काम करते हैं और बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर लेते हैं ना, उनको लक्ष्य बनाना आता है, उनको पूरा करना आता है, उनके पीछे पढ़ना आता है, मेहनत करना आता है, इसलिए लक्ष्य पूरे होते हैं। और ये चीजें हम जानते नहीं है, इसलिए हमारे लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। सच है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज क्या है? लक्ष्य लिखने पड़ेंगे। लिखने को तैयार हो? ईमानदारी से बताइए, किसके पास अभी तक अपने लक्ष्य नहीं है कि क्या करना है, उसको पता नहीं है, उसने आज तक कभी भी लिखा नहीं है कि क्या चाहिए उसको? और कितनों के पास हैं? दिखाना एक बार, इनको दिखाओ सबको, फोकस करिए। आपके पास लक्ष्य हैं? लिख रखे हैं कॉपी पर? पांच साल तक उनका पीछा करके काम कर सकते हो? मैं वादा कर सकता हूं आपका एक एक लक्ष्य पूरा होगा, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। लक्ष्य लिखने के बाद दूसरी चीज क्या है? उसको हासिल करने का प्लान बनाइए। आप ये निश्चित करिए कि क्या चीजें हैं जिनको करने से मैं इस लक्ष्य को हासिल कर लूंगा। तीसरी चीज क्या है? पहली दो बातों को रोज दोहराते रहिए, जो चीजें आपको चाहिए और जो चीजें आपको करनी है। कितने लोग हैं आप में से जो कभी बस में या ट्रेन में बैठे हैं? आप सोचते होगे कि सर ये बेवकूफी के सवाल क्यों पूछते हो हर बार, है स्टूपिड क्वेश्चन है ना ये, ट्रेन में बस में बैठना, बैठे हो कि नहीं? लेकिन क्या आज तक कभी ऐसी ट्रेन में बैठे हो कि बस गए बस स्टेशन और जो भी पहली बस मिली जाके बैठ गए? कैसे बैठते हो? पहले पूछते हो कि कहां जाएगी, है ना? दूसरी चीज पूछते हो कि कितना किराया लगेगा, ये भी पूछते हो ना? मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जो दिल्ली जा रही है एसी बस और उसको भी दिल्ली जाना है, लेकिन वो एसी बस के मारे इतना डर जाता है कि बगल में खड़ा रहता है, बैठता नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि दिल्ली तो जाना है, लेकिन वो एसी बस का किराया इतना है कि वो दिल्ली से वापस आने का एक ही बार में ले लेंगे, है कि नहीं? मतलब जब भी हम यात्रा करते हैं तो छोटी सी यात्रा करने की प्लानिंग बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं? क्या क्या देखते हैं यात्रा के बारे में? देखो, हम यात्रा प्रारंभ करने का स्थान देखते हैं कि मुझे आगरा से जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, देखते हैं ना। ट्रेन मिलेगी तो कहां से मिलेगी, कौन से स्टेशन से मिलेगी, राजा मंडी जाना पड़ेगा कि आगरा कैंट जाना पड़ेगा, सोचते हैं। फिर दूसरा देखते हैं कि कीमत कितनी होगी जो टिकट हम लेंगे, देखते हैं ना। और जेब पॉकेट देखते हैं कि भाई एसी की पॉकेट हमारी अलाउ कर रही है कि स्लीपर में जाना कि जनरल में जाना। तीसरी चीज देखते हैं कि वो जो स्थान है वहां जाने का वो क्या है, देखते हैं। चौथी चीज देखते हैं कि यात्रा जो हमको शुरू करनी है उसकी क्या तारीख होगी, तारीख निश्चित करते हैं। और चौथी चीज श्रेणी देखते हैं, किस श्रेणी में ट्रेवल करेंगे। पांचवी चीज, छठवीं चीज देखते हैं, टिकट समाप्ति की तारीख क्या है, देखते हैं ना। एक घंटे की यात्रा करने के लिए थर्मस, पानी की बोतल, खाने का डिब्बा, है ना, धूप ना लगे इसके लिए हैट, और बारिश आ गई तो उसके लिए छाता, इतनी चीजों का आदमी इंतजाम करता है। कितनी देर की यात्रा करने के लिए? एक घंटे की, पांच घंटे की, दो घंटे की। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ क्या है हिंदुस्तान की बताऊं?